हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। तो सुबह हो गई काफी जल्दी, मेरी तो थोड़ी लेट हुई, मैं थोड़ा लेट उठा जान मच के। मैं अभी फिलहाल गाइस थोड़े दिन से ना मेरी आंख जल्दी खुल जा रही है और सुबह जल्दी हो जा रही है मेरी भी। नहीं ऐसे तो मेरी आंख खुल जाती है बट ना मैं लेकिन आज खुली क्या? नहीं ना, मैं तुम जब कर रहे थे ना मैं देख रही थी तुमको, फिर मैंने आंख बंद कर दी रिटर्न, समझे क्या? तो अभी कैफ जा रहे हैं नए घर के इधर, क्योंकि वहां पर क्या काम चल रहा है क्या नहीं वो देखने के लिए। और नाश्ता कैफ और वहाँ पे एक जन को रहना जरूरी है अभी फिलहाल, क्योंकि जितना जल्दी क्योंकि ऑलमोस्ट सब काम हो चुका है। हाँ, तो नाश्ता कैफ नहीं कर रहे, तो बोले कि मैं वहाँ कुछ खा लूंगा। तो मैंने बोला ठीक है, तो मेरे लिए टोस्ट वोस्ट सब ला के दे दिया उनने। और ऐसे तो मेरा मन नहीं था टोस्ट खाने का, मेरा मन था खारी खाने का, बट खारी आज नहीं थी। खारी गरम गरम निकलने के लिए आधा घंटा और था, ज्यादा जाएगा आधे घंटे से, तो इसके लिए खारी नहीं मिली। चलो कोई ना, गरम था तो टोस्ट लेके आया, गरम गरम टोस्ट लेके आए, मैं आपसे वहां मिलता हूं। यस गाइस, बाय गाइस। सो गाइज, यहाँ पर मुझे काफ़ी टाइम हो गया और तकरीबन एक डेढ़ घंटे पहले मैं यहाँ से रिटर्न गया घर पे। वो जिस दिन फ़ैन लेकर आया उन्होंने दीदी को, वो शायद रिटर्न करना है क्या पता नहीं कुछ, तो दीदी ने बोले वो फ़ैन जो यहाँ रखा है वो लेकर आ जाओ, तो फ़ैन लेकर गया। फिर वहाँ पे उनका कुछ छोटा काम था वो पटा के फिर रिटर्न आया यहाँ पे। यहाँ आकर भी मुझे अब फ़िलहाल आधे घंटे के ऊपर हो गए, एक घंटा ही हो गया ऑलमोस्ट। अभी वो भाई को लेके जा रहा हूँ एक बंदे को, कारपेंटर का जो काम करते ना निजाम, वो भाई को मैं लेके जा रहा हूँ। दीदी के घर पे कुछ फिटिंग वगैरह करनी है तो वो करवा के फिर भाई आ जाएंगे रिक्शा से, तो मैं घर चले जाऊँगा। घर जाके फिर देखते हैं और क्या है, फिर शाम को एक और बार राउंड मारना ही होगा मेरे को यहाँ पर, देखते कैसा क्या होता है। और अभी फ़िलहाल मैं तो प्रेफर नहीं कर रहा अंदर की कोई भी चीज़ दिखाने की, क्योंकि इसके अलावा फिर ब्लॉग में कुछ होगा नहीं अगर मैं अंदर का दिखाते बैठ जाऊँ तो। बट जितना हो रहा है अभी थोड़े टाइम बाद ही आपको जब ऑलमोस्ट 90% काम होने आएगा तब बता देंगे फिर थोड़ा थोड़ा करके। तो अभी चलिए मैं निकलता हूँ यहाँ से, घर पहुँचता हूँ। इतने टाइम में मैं शूट नहीं किया क्योंकि इन लोग के साथ लगा पड़ा था, तो मैं एक ही टाइम पे बाद में आराम से शूट कर लूँगा मैं। और कुछ नहीं, चलिए घर पहुँचता हूँ, फिर आपसे मिलता हूँ, बने रहिए। सो गाइस, घर में लोबान कर दी, देख सकते हो पूरा घर धुआं-धुआं हो चुका है। और अगरबत्ती भी लगा दी और बाहर भी अगरबत्ती लगाई देखो। और गाइस पता नहीं बाहर की जो लाइट है वो पूरी तरीके से बंद हो चुकी है, सम से यार देखो मेरे फोन। सो गाइस, अब जाके फाइनली मैं घर पहुंचा हूँ और अब टाइम हो रहा है 6:45, लाइट चालू है, लोबान कर दी है शिरीन ने आज, एकदम हालत टाइट हो गई मेरी वहीं पे रह रहे के। सलाम अलैकुम। लाइट पूरी बंद हो गई बाहर की, वापस से पूरी बंद हो गई, वापस से पूरी बंद हो गई, थोड़ी सी बची तो होगी। तो उसका टाइम हो गया ना जाना भी, इतने टाइम से तो यूज कर ही रहे ना उसको। चलो ठीक है, अभी गाइस मेरी बीवी को मैं बोलता थोड़ा चाय बना के दे देना, मेरे को चाय पी लेता हूँ, थोड़ा नाश्ता करता हूँ। चाय खारी कुछ रखी है क्या मेरे लिए? ए ओए, चलो ठीक है गाइज, मिलता है आपसे थोड़ा टाइम पर। सो गाइज, अभी फाइनली हम लोग निकले, इसको भी घर के बाहर लेके निकला हूँ मैं और लेके जा रहा हूँ अभी थोड़ा अम्मी के वहाँ पे। गाइज बताना भूल गई, मैंने ज्यादा शूट नहीं की घर पे, ऐसे भी ये दो चार दिन से कर रही नहीं है शूट, मैं नहीं कर रही हूँ। हाँ। आलसी पर चढ़ चुका है बहुत ज्यादा, तो मैं ये बताती हूँ कि काकू के यहाँ पर नियाज है आज 11वीं की, तो इसलिए आज बहना भी था, तो फिर मैंने बोला कि एक ही साथ उतर जाती हूँ, तो मैं अम्मी के यहाँ पर से फिर से थोड़ा आ जाऊँ, तो मैं थोड़ा सा उतर गई, मैंने थोड़ा वॉक करूँगी क्योंकि इतनी देर से वॉक भी नहीं करी, तो थोड़ा वॉक भी हो जाएगी। चलो ठीक है गाइस, अभी निकल रहे, मिलते हैं आपसे। ये देखो कितना क्यूट बन के आया, इसको बना के लेके आई हूँ मैं, काकू के इधर नियाज है ना, तो जा रहे हैं। पुलाव मीठा चावल और कुछ उधर फातिया वाली प्लेट मिल गई और मैं खा रही हूँ। सो गाइस, खाना खाकर आ चुके हैं काकू के वहाँ से और माशाल्लाह बहुत अच्छा खाना बनवाए थे काकू ने, और हम लोग तीनों ने टाइसन के लिए शिरीन ने हड्डी वगैरह भी लेके आई है, तो बोले बच्चा खाएगा करके। और अभी अचानक से शिरीन का मन हुआ है
कि जाके थोड़ा आइसक्रीम वगैरह खा लेते। वगैरह क्या होता है सिर्फ? जो थकेला होता है वही वगैरह होता है। ये देखो गाइस यहाँ पे हड्डी भी है उसके लिए। तो बेटा अभी देखते एक जाके नेचुरल से थोड़ा आइसक्रीम वगैरह खा लेते। तो पैसा देख रहा है देखो उसका आधा तो अभी नखरे करेगा। पहले उठ जा बुड्ढे को उठते 10 घंटे जा खा ले। अभी अंगड़ा ही है गाइस, इतना गरम हो रहा है। गरम तो बहुत हो रहा है कि जिसकी कोई हदरी हवा ही नहीं चल रही है। गरम तो बहुत है। ऊपर से मैडम बुर्का पहन के बैठी हुई है। तो गाइस मैं आप लोगों का रिएक्शन जो 4D स्कैन किया था ना, तो वो 4D स्कैन का मैंने ना उसमें से जो मतलब हमने एक फोटो निकाली है, जो बहुत से लोग बोल रहे हैं ये क्या है कुछ भी मालूम पड़ते हैं, तो 4D स्कैन आप चेक कर लेना। 4D स्कैन में बच्चे का फेस वैसे ना थोड़ा बहुत ना हल्का सा क्लियरली मालूम पड़ता है। तो वो मैंने ना काकू को दिखाया, तो काकू ने ना दीदी कह रहे हैं तो संदानी है। नसरीन दीदी भी देखे बोल रही है तो सेम संदानी जैसा दिख रहा है। और अब ना हंसने लग गया। और आज क्या बोल रहे थे, जैना बोल रही थी कि दोपहर को अम्मी को कुछ बताया। मैंने तो उसी दिन अम्मी को दिखा दिया। वो लगता है की बात हो रही रहेगी उसके हिसाब से, वो टॉपिक के ऊपर से शायद ये लोग की बात हो रही होगी कुछ लोग। वो पता नहीं, वो पूछेंगे तो पता चलेगा एग्जैक्टली क्या बात हुई है। ना जैनब भी बोल रही अम्मी से बात ऐसी करते बैठे तो अम्मी बोल रहे थे शिरिन के तरह से। देखो गाइस जिसकी चीज़ है ना उसको वो चीज़ समझ में आ जाती है। ठीक है, अगर आप लोग इन फ्यूचर या अभी कोई अगर मेरी बहन या मेरी भाभी कोई प्रेग्नेंट होगी तो जब आप सोनोग्राफी के लिए जाओगे तो 4D स्कैन जब आप करोगे तो इंशाल्लाह आपको भी वो चीज़ पता चलेगी। ऐसा नहीं कि हम अपने मन से वो क्या है मन धड़क या क्या बोलते हैं वो बातें बना रहे हैं या चीज़ें अज्यूम कर रहे हैं। हम लोग वो चीज़ डाल सकते हैं ना तो हम लोग ज़रूर डालते हैं वो चीज़, बट नहीं डाल सकते क्योंकि फिर हमने घर वाले लोग आपको तो पता ही है नज़र इज रियल गाइस। सो बस उसके आगे मैं कुछ बोलूँगा नहीं। चलो अभी निकलता हूँ, मिलते हैं। सो गाइज यहाँ पर अभी हम लोग निकल गए और निकलने के बाद हम आए हैं अभी जामा, क्योंकि कल है समदानी के स्कूल में दिवाली पार्टी, तो उसी के लिए सब बच्चे लोग अपने अपने तरफ से कुछ ना कुछ स्वीट लेके आ रहे हैं। दीदी को इतनी रात को अच्छा याद आया तो सही, वरना हाँ। वो भी याद नहीं रहता था। तो अभी जामा आया है तो जैनब गई है अभी यहाँ पर अंदर लेने के लिए स्वीट। मैंने बोला कि जामा से कुछ पेड़ा या ऐसा कुछ ले ले जो यहाँ का पेड़ा सारे बच्चे खा सकते हैं। उसे सारे बच्चे खा सकते हैं क्योंकि और जो क्वांटिटी की बात नहीं है, यहाँ की क्वालिटी भी बहुत अच्छी है कि बच्चे लोग खा सकते हैं कि मतलब लाइक उनको कोई तकलीफ भी ना हो। हाइजीन चीज देख के जाएंगे तो यहाँ से हम ले सकते क्योंकि इधर ट्रस्ट कर सकते हैं हम। और इसीलिए तो मैंने बोला जामा से ही ले लो, तो अभी जामा गई है ना लेने के लिए और अभी हम लोग निकले हैं बस जाने खाने के लिए आइसक्रीम। आज के व्लॉग में भी कुछ भी नहीं है, बस मसला यही है जैसे मैंने पहले भी क्लियर किया हो कि घर का काम तो बार बार दिखा नहीं सकता। एक सेकंड ना गाइस। सो गाइस जैसे कि कैफ बोले कि ज्यादा कुछ नहीं है, तो ज्यादा कुछ इसलिए नहीं क्योंकि अभी जो फिलहाल मैं रेस्ट ले रही हूँ वो मुझे बहुत ज्यादा जरूरी है कहीं ना कहीं, क्योंकि मुझे जो खांसी चालू है तो अभी जैसे कैफ ने कहा था कि बहुत जल्दी आप लोग को पता चलेगा बताएंगे कि मेरा कितना मंथ या क्या चल रहा है। सो आप लोग को इतना बता देते कि ये जो मंथ चल रहा है ना ये मंथ में खांसना वासना थोड़ा बहुत रिस्की है मेरे लिए, क्योंकि मैं अगर चलते चलते अगर मेरे को प्रेशर में भी खांसी आती है तो कुछ भी हो सकता है, अल्लाह ना चाहे बोले ऐसे कुछ हो, बट बोलते ना वो रिस्क मैं नहीं लेना चाहती क्योंकि मेरे को खांसी जिस तरीके से चालू होती है वो रुकती नहीं है, बट अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के करम से अभी काफी हद तक मेरी खांसी रुकी हुई है अल्हम्दुलिल्लाह। और बहुत बोलते ना पता नहीं ऐसे कौन सी चीजों से क्या बोलते अपने आप रुक गई, अल्लाह ने इतना मेरी दुआ बोलते ना मैं रोके एकदम ये हो गई तो क्योंकि मैं मेडिसिन नहीं ले सकती थी, मेरे को मेरे डॉक्टर ने एकदम क्लियरली कट बोल दिया कि शेरिन बोल रही मैं कैफ तुम क्या करो तुम यहाँ नहीं मैं गाड़ी देख रहा हूँ बार बार करते करते आधा कर दिया तो फिर मैं यहाँ रखता हुआ था बोल। हाँ अभी भी आधा कर दो तुम मुझे। अच्छा ये ले बोल, इरिटेट मत किया करो यार। अरे मैं बाजू में गाड़ी आ रही है नहीं वो नहीं देखो ये देख तो वॉचमैन अंकल बता रहे ना वहाँ बोल बोल अभी
सो गाइज जैसे कि मैं मेडिसिन ले नहीं सकती, डॉक्टर ने मेरे को सीधा सीधा बोले कि नहीं तुमको गर्म पानी से ही मैनेज करना, और मैं एकदम ऐसी जो भी है अभी सबसे बड़ा ऑप्शन शेरिन के पास एक ही है, और मैंने गर्म पानी गर्म भी नहीं पी ज्यादा गर्म भी नहीं पी सकती, तो मैंने गाइस टू बी वेरी ऑनेस्ट मैंने गर्म पानी भी नहीं पिया क्योंकि मुझे रिस्क नहीं लेना था, कोई भी चीजों का रिस्क नहीं लेना था, मैंने गर्म पानी नहीं पिया। मैं खांसती भी थी तो मैं मेरे स्टमक को ऐसा होल्ड करके खांसती हूँ कि भाई कभी खांसी भी आए तो गलती से जोर से छींक आ जाए तो उसमें भी बहुत कंट्रोल करती हूँ, खुद का बॉडी बहुत करना पड़ता है, कर लेती हूँ, बट मैं हैट्स ऑफ करती हूँ वो औरतों को जो इतना सब कुछ करती है यार, कितना सब कुछ कर लेती है और वो एकदम इजीली वो चीजों को। मैंने उस दिन भी एक आंटी को देखा जा रहे थे और साड़ी पहने हुए थे, और मैं अभी बुरका ही ले लूँ तो मैं बुरके में पूरी हिल जाती हूँ, वो साड़ी पहन के उनका मतलब स्टमक बेबी बम्प था, बेबी बम्प में और वो ना चल रहा हाथ में दो दो थैला है उनके भाजी के, और वो इतना हैवी दिख रहा था, लिटरली हैवी दिख रहा था वो। अब तू सोच के लोग इतना हैवी है भैया, सेम वही लगा ना मेरे को, निजाम भाई लगा मेरे को भी। तो अभी गाइज और मैं ये चीज बोल रहा था कि ज्यादा घर 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 ही नहीं दिखा सकते क्योंकि वही दो चार चीजें बढ़ रही है। आज भी एक कमेंट था कि कुछ नहीं किया ये लोग ने, डिजास्टर कर दिया है सिर्फ वॉलपेपर, वॉलपेपर शुड हैव हायर्ड इंटीरियर डिजाइनर, बट इंशाल्लाह उससे बेस्ट ही होगा हमारा इंटीरियर डिजाइनर से ज्यादा अच्छा, क्योंकि हमारी अम्मी का जो दिमाग यहाँ पर सबसे ज्यादा दिमाग चला है ज़ैनब का, फिर उसके बाद में थोड़ा बहुत कैफ का भी दिमाग है वहाँ पर, और थोड़ा बहुत अम्मी का भी दिमाग क्या हो गया। और अभी ऐसा है ना सीन गाइज, मैं एक चीज बताता हूँ कि पसंद आए नहीं आए किसी को भी उससे अब फिलहाल ना, देखो मेरा पैसा तो नहीं लगा, और एक अकेली औरत का पैसा लगा है। आज के टाइम में वही उसी पे पैसा, आज बोलते हैं ना लोग बोलते हैं कि यार 2 करोड़ रुपए दे दो हमको, मैं इधर से फलाना इंसान बोल रहा हूँ हमको 2 करोड़ रुपए दे दो, हाँ तुम्हें 2 करोड़ रुपए दे दो, तो भाई देखो पैसे ऐसे बोलना बहुत इजी था, बट खुद से अचीव करने बहुत मजा आता है, तो खुद से अचीव करो तो तुमको ज्यादा अच्छा लगेगा मांगने से अच्छा, तो किसी के सामने हाथ में फिर अल्लाह के सामने हाथ। और शिरीन ने कल एक पॉइंट के ऊपर से बात की थी तो मैं एक चीज अभी क्लियर कर देता हूँ, हम जो चीजें बोलते हैं ना, मैं माशाल्लाह कितनी ग्लो करे ना, मेरे बच्चे मुझे बहुत अच्छा नूर दे रहा है, देखा खुद के बात करने के टाइम पे मैं हिल नहीं सकता हूँ, नहीं हिल सकते, नहीं हिल सकते, मेरा मूड स्विंग होता है फिर। मैं ये बोल रहा था गाइस के जब भी हम कोई पॉइंट के ऊपर से कभी बात करते ना तो इट इज नॉट नेसेसरी कि 99% वो कमेंट सेक्शन में आके कोई बोल रहा है तो ही वो चीज के ऊपर से हम बोल रहे हैं, नहीं गाइस एक पर्सनल लाइफ भी है हमारी ऑफ कैमरा, तो वहां पर हमको ये सारी चीजें पता चलती है, तो उस चीज के रिगार्डिंग हमने एक बात बोली थी। खैर कोई बात नहीं, लोग समझदार है वो समझते हैं, तो इन चीजों के ऊपर कमेंट करके बात का बतंगन नहीं बनाते, बट कुछ लोग हैं एनी विच वेज के शायद मत फाड़, मैं उनके बारे में तो कुछ बोलना ही नहीं है मेरे को, ठीक है। और बहुत बहुत इंटीरियर डिजाइनर वाला जो मैं पॉइंट पे था कि मेरा पैसा 1 रुपया नहीं लगा है, ठीक है। तो ऐसा होता है ना कि हमारे घर के जो बड़े होते हैं ना वो नहीं चाहते कि हमारे घर के छोटे लोग हमारे सामने स्पेंड करे, चाहे वो हम कहीं पर भी जा रहे हैं। एक सेकंड मेरे को बोलने दे, कुछ खाने को बोल लेने, मुझे बोलना है प्लीज, मेरे को एक बार बोल, मुझे बोलना एक बार, ओवर मत कर फिर मैं भूल जाऊंगा, मत कर, भूलने की बीमारी है, मेरे को ही भूल जा। चाहे उस जगह पे मेरी सास रहे, ठीक है, चाहे उस जगह पे मेरी माँ रहे, चाहे उस जगह पे ज़ैनब दीदी रहे, या चाहे उस जगह पे मेरी बड़ी बहन रहे, एक सिंपल सी एक लॉजिक की बात बता रहा हूँ, कोई भी बड़ा इंसान ये नहीं चाहेगा कि अपने सामने का अपना छोटा अपने सामने आके पैसा दे, बराबर है, ठीक है। लेसन बात कर ले, मैं नहीं पकड़ूंगा, नहीं नहीं आप बात कर लेते। तो गाइज हम लोगों को कहीं पर भी कुछ स्पेंड करने मिलता ही नहीं है, अम्मी के साथ जाओ तो कुछ भी खाओ पियो भी तो अम्मी को बोलते कि हमें भी डर गए, बिल देने के टाइम पे तो अम्मी हमको नहीं देने देते, बिल्कुल भी हम लोग नहीं करने देते, तो सब वो अम्मी ही कर रहे हैं गाइज। और डिजास्टर तो नहीं है ना, बोलते नया घर जो बन रहा है ना बोलते डिजास्टर होगा, ये लोग सिर्फ और सिर्फ वॉलपेपर भर रहे और क्या एक इससे अच्छा एक इंटीरियर डिजाइनर हायर कर लिए होते, दीदी अपनी चीज अपने को पसंद आ गई बस बात खत्म हो जाती है, रहने वाले यार थोड़ी
रखे रहने वाले। अभी ये YouTube पे डेली ब्लॉग्स है तो उन लोग डे टू डे आपको अपडेट देते रहते हम यहाँ जा रहे वहाँ। हाँ। और हमारा डेली ब्लॉग यहाँ पे आके रहो। अच्छा दीदी, अभी अपन कहीं जाते हैं साथ में, तुम मेरे को पैसा खर्चा करने देते क्या? नहीं बिल्कुल भी नहीं। क्यों नहीं देते? अरे कैसे खर्चा करने देंगे, क्योंकि हम लोग छोटे हैं बोल के कभी भी जैनब हम चिल्लाती है, कभी अगर हम लोग ने कभी खाने के टाइम पे भी ऐसा कभी पेमेंट कर दी तो हम बहुत सुनाती है कि क्या तुम लोग बहुत पैसा है क्या, बहुत पैसा अगर ऑफ कैमरा की बात करे गाइस बहुत पैसा आए लगे तुम लोग ऐसा कर दे तुम लोग ये वो करके, तो वो मेरे को चिल्लाती है, हम लोग को बिल्कुल भी स्पेंड नहीं करने देती। हमारे किस लिए हम लोग कितनी लगती है, हराम के पिल्ले आके खा रहे ना अभी बाहर के, तो घर के खाए तो फिर क्या गम है। और शिरीन याद है शादी के बाद मेरी आदत थी, अम्मी अपन लोग कहीं जाते थे तो मैं जेब में हाथ रखता था, बिल्कुल पसंद बाहर मेरे को जाए तो पॉकेट मतलब जैसे पर्स खोले ये खोले तो अम्मी डायरेक्टली ना गाली भी देती है, क्यों तुम बहुत पैसा आ गए ये क्या वो क्या बहुत बड़े बन गए क्या तुम लोग, तो हम लोग नहीं निकाल सकते, हमारे घर में वो चीज़ है तो शायद आप लोगों के घर में नहीं होगी तो वो आपका लक है, बट हमारा लक अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने बहुत अच्छा बनाया कि हमारे अम्मी ने हम लोग को एकदम ऐसे बोलते ना हर जगह से वो रखे हमारी, मैं मेरे को कभी ज़रूरत पड़े मैं जैनब को आधी रात को भी कॉल करूँ जैनब ऐसी बात है मेरा जीपे नहीं चल रहा तो यहाँ पर ये पेमेंट कर, वो फटक से कर देती, एक बार भी ऐसा नहीं पूछती कि क्यों किस लिए क्या, वो हमेशा हेल्प करते हैं, हमारे बड़े ही हमारी हेल्प करते हैं, हमारे बड़े मतलब हमारे बड़े ज्यादा जो है उनकी नहीं बात करी, बस मेरी बहन और मेरी माँ बस दैट्स इट, और कोई नहीं है जो इतना ये कभी हम लोग को करा, हम लोग की हर एक बोलते ना चीज़ों की ख्वाहिशें व्वाहिशें भी सब वही पूरी करते हैं, और बहुत सी पंचायतें हो रही है लोगों की, और संतूर मॉम बैठी है पीछे आप देख सकते हो माशाल्लाह, बच्चों की माँ हूँ मैं मालेगांव में एक चेंबूर में है मेरे, बताओ ये छोटा है ना लड़के है मुझे, मैं संतूर मॉम हूँ फिर मैं वो पब्लिक कैसा बोलती है, ये देखो तीन बड़े है ना तो वो अभी मालेगांव में और ये छोटा है तो ये साथ में रहता है, इसीलिए गाइस मुझे आज खबर मिली कि मैं तीन बच्चों की हूँ, सोचो मैं कितनी संतूर मॉम हूँ, तीन लड़के मेरे माशाल्लाह मालेगांव में, एक बच्चा मेरा चेंबूर में, बताओ कितना आदमी मेरा ख्याल करता, तीन बच्चे अपने पास रखा है कि मैं संभालूंगा, एक बच्चा तू संभाल, ज्यादा टेंशन नहीं किया, मेरे को बहुत भागम दौड़ रहता काम धंधा रहता ना, इंडिपेंडेंट वुमन खुद के हस्बैंड से बोलते ही हमेशा मेरी तारीफ ही करते हो, शिरीन लोग का गाली पड़ती है मैं मुझे तो बहुत गाली देते लोग, मैं तो आंखों का तारा हूँ लोगों के, सीजन आता है 2 महीना 13 दो महीना मेरा रहता है, 2 महीना कैसा रहता है, मुझे नहीं देते भाई दो भी मत, नहीं तो ये आएगी फिर दूसरा आईडी से गाइस, तो हम लोग अच्छे कमेंट भी पढ़ते हैं, लोग बोल रहे हैं एक कमेंट था कि सिर्फ आप लोग नेगेटिव की क्यों बातें करते हो, आप पॉजिटिव भी देखो, पॉजिटिव से तो आज हम लोग ये चैनल चला रहे हैं, अगर आप लोग नहीं होंगे तो हम लोग ये चैनल भी नहीं चला पाएंगे, नेगेटिव वाले लोग की वजह से तो हम लोग कहीं ना कहीं इतने वो हो जाते हैं कि फुटते बहुत कुछ बोल देते हैं, बट कहीं ना कहीं जो पॉजिटिव वाले लोग हैं तो हर सुबह एक लगता है कि नहीं यार आज लोग नहीं बनेंगे, बट ऐसा कहीं ना कहीं सोच होती है कि नहीं यार जो हमको देखते हैं वो लोग कहीं ना कहीं हमको मैसेज भी करते हैं, कहीं ना कहीं वो लोग बोलते भी कि आप लोग ने आज व्लॉग इतना लेट क्यों डाला, ये वो बहुत सी बातें करते हैं, तो उन लोगों के लिए बस ये व्लॉग बनता है हमारे, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों चीजें लाइफ में रहना चाहिए, हमेशा बोलते ना मीठा खा के रहेंगे तो शुगर हो जाएगी इसलिए थोड़ा सा कड़वापन भी देना चाहिए, कोई नहीं है तुम बोलने का हक है, तुम लोग भी हमारे इतने टाइम तक वीडियो देखते हैं, कितना टाइम है उन लोगों के पास, बोर करते हैं हम लोग आपको, आपकी बताओ मेरी सगी बहन रखी मेरे को बोलती क्या रही तेरे ब्लॉग में कुछ भी नहीं है, मैं खुद बोलती हूँ कि क्या है, तो तुम लोग इतना देख के यहाँ तक लाए इतने 30 कितने 30 के होने अल्हम्दुलिल्लाह, तो अच्छा खुशी की बात है, अच्छा दोनों चीजें लाइफ में रहनी चाहिए, धूप छाव तो आती रहती है उसके साथ साथ चलना चाहिए, yes, हर करवट पे नींद आनी चाहिए, तो चलो ठीक है गाइस मिलते हैं, कुछ है तेरे पास नया तो वो भी दे दे तू, सो यहां पर सबकी आइसक्रीम जा चुकी है और ये लड़का देखो खड़ा है, सो गाइस घर आ गए हम और घर आके काफी टाइम हो गया, कितना आधा एक घंटा होने आया शिरीन, आधा एक घंटा होने आया हमको घर पे, और थोड़े टाइम पहले मैं गया था शिरीन की 2 मेडिसिन ख़त्म हो गई थी तो वो लेकर आने, तो वहीं जब तक ये शिरीन जैनब दीदी की वहीं थी फिर वो लेकर हम आ गए थे घर, घर आ गए फिर ऐसे ही बैठे थे मम्मी से बात बात हो रही थी, और अभी शिरीन भी लेटी है मेडिसिन वगैरह खा ली, बस अभी जाएंगे सोने के लिए, सो बस गाइस फिलहाल बहुत चीज़ें चल रही है, कोई बात नहीं कुछ नहीं बोलना है क्योंकि सब
एट दी एंड बोल बोल के कुछ फ़ायदा है नहीं, जिसको जो लगता है वो ही बोलेगा, तो इट्स ओके. जैसे पिछले क्लिप्स में बोला गया कि धूप चाव देख के चलना पड़ता है, वैसा वाला सीन है गाइस. तो बस गाइस यहीं का तो मत आज का हमारा ये दिन. उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी. अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक शेयर कॉमेंट एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल कैफ शेरिन ब्लॉग्स. इंशाल्लाह मिलेंगे जल्द एक नई वीडियो के साथ. तब तक के लिए स्टे सेफ, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़ गाइस. कीप सपोर्टिंग एंड कीप लविंग. अल्लाह हाफिज़.